डायमंड, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर क्या है। आज की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है, जहां पर बेलगावी नॉर्थ में एक ऐसा फ्लैग लहराया गया था जो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा फ्लैग था, और इस फ्लैग को जनाब फेरोज सेठ साहब जो एक्स एमएलए थे उनके पीरियड में, उनकी कोशिश से इस फ्लैग को बनाया गया, और हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर जो बेलगाम की सरजमीन है इस पर लहराया गया जो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगे का फ्लैग है। आज इस फ्लैग को फिर से राजू सेठ साहब, फेरोज सेठ साहब और बहुत सारे कार्यकर्ता, लीडर्स और अब्दुल खादर घी वाले जो इस वक्त मेडिकल इंचार्ज हैं, और बहुत सारे कारपोरेटर्स, लीडर्स, महिलाएं सब यहां पर मौजूद थे। सब ने मिलकर फिर से इस तिरंगे को लहराया, और लोगों में इतनी खुशी थी कि ये तिरंगा जो है बहुत ही खूबसूरती से लहराता हुआ ऊपर चला गया और तिरंगा लहराने लगा। इसी संदर्भ में काफ़ी लोगों यहां पर जमा हुए, खुशी का माहौल था। प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम ने भी खासकर आसिफ राजू सेठ साहब और जनाब फेरोज सेठ साहब से कुछ सवाल पूछे और उनके जवाब हासिल किए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ये मंजर था। जी, डेट्स एंड नट्स, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, आइए तमाम चीजें जो यहाँ पर मिलेंगे। ये शॉप गणपत गली चावी मार्केट बेलगावी में मौजूद है। इसके ओनर सलीम गोल वाले हैं। यहाँ पर हर तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जो रमजान के इस मुबारक महीने के लिए काफी जरूरी है और इंसान की जिंदगी को सेहत बनाने के लिए। और यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं, जिसमें अजवा खजूर है और भी कई वराइटीज के खजूर यहाँ पर मिलेंगे जो अरब कंट्रीज से, ईरान से मंगाए गए हैं। बहुत ही वाजिब दामों में आपको यहाँ पर मिलेंगे। यस जी, डेट्स एंड नट्स, गणपत गली बेलगावी, विजिट करना न भूलिए। इंडिया संचार टाइम क्राइम न्यूज के खास बुलेटिन में आज हम बेलगावी शहर में, जहां पर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा फ्लैग जो फेरोज सेठ साहब जो एक्स एमएलए उन्होंने लहराया था, उसके बाद उनके भाई आसिफ राजू सेठ साहब इस वक्त एमएलए सीट जीत चुके हैं नॉर्थ बेलगावी से, इन्होंने आज इस फ्लैग को जो है ओपन किया और सहराया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा फ्लैग है जो आसिफ राजू सेठ ने अपने हाथों से आज उसे पहराया है। सर, आप एमएलए सीट जीत चुके हैं, कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में आ चुकी है और आप इस फ्लैग को फहराया है, आपको कितनी खुशी है और मैसेज क्या होगा? बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिरोज भाई का जो हमारे माजी एमएलए हैं उनका एक विजन था कि हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा फ्लैग हमारे शहर में होना चाहिए। तो बहुत से तकलीफात आए थे उनको, बहुत से रीजंस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने डट के रहे और ये फ्लैग उन्होंने ऊपर सबसे ऊंचा फ्लैग पोस्ट बनाया, सबसे ऊंचा फ्लैग लहराया। इसका कारण ये था कि हम सभी गलियों में, खरियों में देखते हैं कि कोई ब्लू फ्लैग लेके जाता है, कोई ग्रीन फ्लैग लेके जाता है, कोई ऑरेंज फ्लैग लेके जाता है। हमारा तिरंगा बहुत कम लोग हाथ में लेते हैं, बहुत कम लोग हाथ में लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इतना ऊंचा तिरंगा बनाएंगे कि उसके जब लहरता है तो नीचे तक आवाज़ आए, और जब लहरता हुआ हमारा हर बच्चा देखे तो वो खुश हो जाए, एक रिस्पेक्ट से वो सलाम करके जाए, अपने दिल पे हाथ लगा के जाए, अपने वतन के लिए दुआ मांग के जाए, अपने वतन से प्यार करे। हर बच्चा मेरे वतन का, कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, वो हमारे देश से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो हमारे वतन से प्यार ना करता हो, हर एक लग करता है। लेकिन जब जाता है नीचे से, अभी यहाँ से पास होगा और दूर तक ये दिखता है, हम फ्लाइट में जाए तो फ्लाइट में भी दिखता है, तो हम उसको सलाम करें, क्योंकि इसके नीचे ही हम चलते रहते हैं, इसके नीचे ही रहते हैं। तो यही सपना लेके फिरोज भाई ने बनाया था। तो हम देखते थे कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही लहराता था या सेशन के टाइम पे लहराता था, तो हमने सोचा है और एडवाइस की है कॉरपोरेशन से कि ये दो रोज़ लहराइए, और इसे सब मिल के रहेंगे, सभी को आप एक गर्व महसूस करें, एक फ़ख्र महसूस करेंगे अपने वतन के बारे में। और अगर जब टेक्निकल अगर रीज़न कुछ आया तो ठीक है, या तो बारिश ज़्यादा हुआ है, वेट बढ़ जाता है फ्लैग का, तभी हवा ज़्यादा हो जाती है, तभी ठीक है,
नहीं तो हर रोज़ हम लेना चाहिए और हम देखेंगे आते जाते, और आप भी नोट कीजिए, जब अगर नहीं लहराएंगे तो हमारे को समझाइए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। राजू सेठ कितने फेमस शख्सियत है, तो कोरोना महामारी के हीरो भी है, इस वक्त आप इलेक्शन जीत चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी और लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कोरोना महामारी में जो मैंने काम किया या मेरी टीम ने काम किया, मैं अकेले ने काम नहीं किया है, मेरी पूरी टीम ने काम किया है, वो एक इंसानियत के लिए थी, वो एक इंसानियत के लिए थी। और मैं पहले ही हमने डिसाइड किया था कि हर धर्म, हर मज़हब, हर भाषिक को जो भी हम कर सकते हैं करेंगे, चाहे दवाई हो, चाहे कोविड सेंटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अंतिम क्रियाक्रम हो, हमने कहाँ भेदभाव नहीं किए, वो एक इंसानियत के लिए किया। और ऐसे जब काम आते रहेंगे तो हम इंसानियत के लिए करते रहेंगे। अब जब सरकार में आए हैं तो सिटी का डेवलपमेंट काम रहता है, गरीबों का घर का काम रहता है, पानी का रहता है, एक अलग जिम्मेदारी है। और हम जो दोनों जिम्मेदारी, जैसे वो जिम्मेदारी हमने एक रिस्पॉन्सिबल होके की थी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे। एक छोटा सवाल सर, स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है बेलगाम में, अब आपकी जिम्मेदारी आप कैसा करेंगे? अभी आके मैंने 2 दिन हुआ है, फिर बेंगलोर जाके आया हूँ, थोड़ा ऑफिसर्स के साथ बैठ के डिस्कस करके जो जो काम कंप्लीट है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने स्टार्ट नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, क्या हुआ है, उसका पूरा एक मीटिंग लेके बात करके आगे का काम करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज बेलगावी शहर के उस जगह पर मौजूद है जहां पर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा फ्लैग जो है लहराया जा रहा है, वो एक्स एमएलए जनाब फेरोज सेठ साहब के पीरियड में हुआ था, अब उनके भाई आसिफ राजू सेठ जीत चुके हैं। सर, अब कांग्रेस भी जीत चुकी है, राजू सेठ साहब जीत चुके हैं, फिर से तिरंगा लहराया है, अब आपको कितनी खुशी है और आपके आगे क्या काम होंगे? देखो, ये फ़ख्र करने की चीज़ है, ये हमें जोड़ने की चीज़ है, ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई इससे 1 किलो खुशी मिलती है कि 100 किलो खुशी मिलती है। ये हमारी एक क्या कहते हैं, आत्मा जैसे है, वेल इट इज़ विद इन अस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ अस, इसके बगैर हम खोखले हैं, खाली है, ये सबका है, जो हम कहते हैं इसको देखते ही ऐसे एक प्राउड फीलिंग आता है, एक प्राउड फीलिंग आता है कि भाई आई बिलोंग टू दिस फ्लैग एंड दिस फ्लैग इज़ माइन एंड एवरीबॉडी एल्स इज, बराबर है। तो ये क्या वजह से तकलीफ हो गई इनको, हम नहीं जानते ना, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि भाई हमारी कोशिश रहेंगी कि ये रोज़ लहराए, रात दिन लहराए, आने जाने वाले हाईवे वाले इसको देखें, वो भी सल्यूट करके जाएँ, और ये अनमोल है, यू कैनॉट पुट ए वैल्यू टू दिस, ये कोई गार्डन वार्डन का फूल नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, दिस इज़ आवर आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, बराबर है। तो इसके साथ साथ ये कंपैरिजन सिर्फ संविधान का आप कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा खुश होने की और फ़ख्र करने की चीज़ मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप फ़ख्र से कह सकते हो, बच्चों को कह सकते हो कि भाई सीने पे हाथ रखो, सर पे हाथ रख के सल्यूट बोलो, सलाम बोलो, नमस्कार बोलो, यू कीप ऑन डूइंग दैट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग इंडियन, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग इंडियन ऑल द टाइम। थैंक यू। सर, सीएम की रेस लगी हुई है, आप किसे चाहते हैं कि कौन सीएम बने? देखो, हमारे सभी लीडर्स काबिल हैं, काबिलियत सब में है, सब अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, अपने अपने तरीके से स्पेशल है, और वही बात मेरे ख्याल से एमएलए ने जाके बताई है कमेटी को जो आए थे ऑब्जर्वर्स, और वही बात दिल्ली पहुंची है, और वो बेसिस पे जो उनके पास में जो बायोडाटा है वहाँ से नाम अनाउंस होगा, और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा है, कोई नहीं। और एक बात, जितने 136-137 MLA हैं वो सभी चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि दिस इज़ डेमोक्रेसी, वो सब उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना CM होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न